अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों से ये वीडियो देख रहे होंगे। अभी भी पाकिस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, तो उम्मीद है कि आप लोग अभी भी घरों से वीडियो देख रहे होंगे और जो है घर पे रह के तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ लोग जो है लूडो खेल रहे हैं, कुछ रेसिपीज़ बना रहे हैं, कुछ जो है वो पबजी वाले हैं यानी कि ऑनलाइन गेम वाले, और हम वो हैं जो समझ लें कि सुस्ती वाले इंसान। कमरे की हालत देखो, सुबह का उठा हूँ, अभी जो टाइम हो गया वो तकरीबन 4 बज रहे हैं जो ना वो शाम के, ठीक है। और जो मच्छर नहीं लगाई हुई थी रात को, क्योंकि मच्छर होता काफ़ी, वो अभी तक नहीं उठाई हुई। पीछे बिस्तर जो ना वो काफ़ी जो ना बुरी हालत में है, और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे जो ना वो देखे बिस्तरे पड़े हुए हैं। नीचे जो ना वो थी एक फूलों की जो ना वो लड़ी थी धोने के लिए उतारी हुई थी, उसे भी जो ना धो के लगाना है, तो काफ़ी बुरी हालत है। लेकिन खैर, इस वीडियो में मैं आपको ये जो ना कमरे की हालत नहीं दिखा रहा। इस वीडियो में हम जो ना वो चिकन शॉर्मा बनाएंगे, और वो भी हमारे जो शेफ़ भाई हैं यानी कि बिलाल भाई। आपको एक चीज़ बतानी थी कि जो हमारे बिलाल भाई हैं ना, वो हमारे साथ ना हमारे स्कूल, उसका नाम है तूर पब्लिक स्कूल, तो वो उसके प्रिंसिपल भी हैं। तो आजकल जो ना छुट्टियां होने की वजह से, क्योंकि बच्चे जो ना अपने अपने घरों पे हैं और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हम जो ना वो अकेले बैठ के यानी कि जो ना वो खाने वगैरह तैयार करते हैं और मज़े लेते हैं। आज हम जो चिकन शॉर्मा तैयार करने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो ना अपने घर से लेकर भाई बिलाल के घर पर जाऊँगा, और वहाँ पे जाकर जो ना वो बाकी मटेरियल तैयार करते हैं। होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी से देखा करें, क्योंकि वीडियो में बहुत मज़े मज़े की हरकतें होती हैं, आप लोग जो ना शुरू में देख के छोड़ के चले जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। वीडियो की जाना बढ़ते हैं। सो अभी जो ना भाई बिलाल की तरफ जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें जो कटिंग बोर्ड है, दूसरा कटर है, और कुछ सामान है मतलब बंद गोभी, खीरे और मायोनीज वगैरह। तो बाकी सामान जो ना हम उधर एक पास दुकान है वहाँ से ले लेंगे, और अभी जो ना भाई बिलाल की तरफ जा रहा हूँ, बाकी काम उधर जा करते हैं। सो आज की मेरी जो वीडियो है वो हमने देखी है फूड सीक्रेट के चैनल से, जो कि जो ना मुदस्सर भाई हैं उनके चैनल से। हम ये जो ना वो तकरीबन डिश जो ना कॉपी कर रहे हैं, इनसे हमने जो ना सीख के ये बना रहे हैं। तो रात को मैं इनकी रेसिपी देख रहा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया देखते हुए, तो अभी बनाते हैं और देखते हैं उस पर जो ना वो जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है उस तरह से ट्राई करेंगे और बना के देखेंगे। उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, वैसे देखने में काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा था। दूसरी जानब जो ना हमारे बिलाल भाई, वो जो ना वो खीरों के छिलके उतार रहे हैं, और बाकी हम जो ना इसके पीसीस बना के जो ना उसमें डालेंगे। क्या बनाने लगे हैं? शॉर्मा। क्या शॉर्मा? वो क्या होता है पता नहीं क्या था। अच्छा, तो हम जो ना शॉर्मे के लिए जो ना वो खीरे उनके छिलके उतार लिए, मिर्चें धो ली हैं, बंद गोभी और जो गाजरें हैं उनके छिलके उतार रहे हैं। तो जो बंद गोभी है उसको हमने ब्रिक ब्रिक काट लिया, ये देखें, ठीक है। और अब हम जो गाजर को ना उसको ब्रिक ब्रिक काट रहे हैं, ये जनाब इस तरह से कटर की मदद से ब्रिक ब्रिक काट रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो खीरे उसको काट लेंगे, और ये हमारे पास सब्ज़ मिर्ची हैं कुछ, उनको काट लेंगे। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है जनाब चिकन रेडी करना है, ठीक है, जो इसमें डालना है। और एक है जो हमने रोटी बनानी है वो है, तो वो भी इंशाल्लाह बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे बंद गोभी ब्रिक ब्रिक काट लिए, आगे जो ना वो खीरे हैं, ठीक है, जिनको जो ना कटर पे ब्रिक ब्रिक काट लिए, सब्ज़ मिर्च है, और दूसरी तरफ फिर से खीरे हैं, क्योंकि खीरे जो ना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं इसलिए जो ना दो जगह पे खीरे हैं। और आगे ये जो गाजर है उनको ब्रिक ब्रिक काट लिए, और यहाँ पे हमारे पास चिकन है जिसको ब्रिक ब्रिक जो ना स्लाइसिस में जो ना काट लिए धोने के बाद। अब इसको हम जो ना तैयार करेंगे, मसाले वगैरह लगा के इसको तैयार कर लेंगे, और उसके साथ ही हम रोटी तैयार करेंगे। और रोटी बनाने के बाद जो ना उसी में ये चीज़ें ऐड करेंगे, बल्कि आपने खाया होगा तो आपको जो ना इस चीज़ का आइडिया तो होगा कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हमने जो ना दही डाल के उसमें सारा मिक्सचर तैयार कर लिया, उसमें मसाले डाल दिए, नमक मिर्च और जो ना वो काली मिर्च और जो गरम मसाला वगैरह और जो और भी बाकी मसाला जो भी आप चाहते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हम जो ना ये जो स्लाइस किए हुए जो चिकन है ना वो डाल देंगे, मतलब इसको मैरिनेट करने के लिए हम इसमें जो ना डाल देंगे इसको। तो यहाँ पे हमने जो ना दही डाल के उसमें सारा मिक्सचर तैयार कर लिया, उसमें मसाले डाल दिए, नमक मिर्च और जो ना वो काली मिर्च और जो गरम मसाला वगैरह और जो और भी बाकी मसाले जो भी आप चाहते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हम जो ना ये जो नमाज़ पढ़ के हम आ गए हैं, सारा मटेरियल जो है रेडी हो चुका है, जो ना वो खीरे वगैरह जो उसमें जो भी मटेरियल डालना है, ठीक है, गोश्त जो ना अभी आपके सामने उसको जो ना करेंगे पकाएंगे। और जो रोटियां वो हमें बनानी नहीं आती, इसलिए हम जो ना घर से बना रहे हैं, क्योंकि हमें वो जिस तरह औरतें बनाते हैं ना गोल वाली शेप, वो हमें बनानी नहीं आती, इसलिए वो घर से रोटियां बनवा रहे हैं, यानी कि जो नीचे जिस पे सारा मटेरियल जो है इकट्ठा करना है शॉर्मे का, जिसको कुछ लोग जो ना वो कवर भी बोलते हैं, ठीक। तो जो ना रोटियां घर से बनवा लेंगे, गोश्त अभी आपके सामने रेडी करते हैं, बाकी मटेरियल रेडी है जो बना के खाते हैं और साथ में आपको भी मज़े देंगे। और अगर अभी तक आप यहाँ तक वीडियो तक आ चुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें।
ये चिकन हमने मैरिनेट होने के लिए जो है फ्रिज में रख दिया था मसाला लगा के, तो अभी हम इसको जो ना वो कुकर में पकाएंगे और वो इलेक्ट्रिक कुकर जो है ना उसमें पकाएंगे। तो लेके जा रहे हैं भाई, ये हमारे पास जो ना इलेक्ट्रिक कुकर है जिसमें हम इसको जो ना तैयार करेंगे। मटेरियल पे जो ना मसाला वगैरह लगा हुआ है जल्दी से तैयार कर लेते हैं इसमें। तो सारी रेसिपी आपने देख ली जिसमें हमने शॉर्मा बनाया। अभी हम जो ना आपको वीडियो के थ्रू खिला नहीं सकते, नहीं तो हम वहाँ से आपको खिला भी देते, लेकिन आप घर पे रहते हुए थोड़ा सा मटेरियल चाहिए होता है, बाहर से तकरीबन कुछ भी नहीं लाना पड़ता, सारी चीज़ें आपको घर से मिल जाती हैं। तो घर पे बैठ के बनाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो नीचे कमेंट करके लाजमी से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई कमी होती है वीडियो में तो आप नीचे जो ना बता सकते हैं हमें कि ये चीज़ इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।